सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेसिपी बाजार को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके सारी नोटिफिकेशन हमारे आने वाले सभी वीडियोस के। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई तरीके की दही वड़ा, जिसके लिए हमें चाहिए 2 घंटे तक भिगोई हुई उड़द दाल, बेसन की सेव, इमली की पल्प, ग्रेट की हुई कोकोनट, दही, रिफाइंड ऑयल, धनिया के पत्ते, चाट मसाला, टोमेटो केचप, मिर्च, नमक। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें 2 घंटे तक भिगोई ही उड़द दाल देकर ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसमें पानी की मात्रा काफ़ी कम हो। ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुकी है। अब एक प्लेट में हम ग्राइंड की हुई कोकोनट, थोड़ी सी नमक, कुछ हरी मिर्च, 1 टीस्पून इमली की पल्प देकर मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम रिफाइन ऑयल को गर्म होने देंगे। उसी के साथ साथ हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और उसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब पिसी हुई उड़द दाल को कुछ इस तरह लेंगे और इसमें हम नारियल के बनाए गए मिक्सचर को डालकर प्लास्टिक शीट को फोल्ड करके सेक देंगे। ये स्टेप थोड़ी मुश्किल है, तो ध्यान से करें, नहीं तो ये फट जाएगी और तलते समय ऑयल इसके अंदर जा सकती है। इसे सावधानी से कढ़ाई में डाल ले और फ्राई कर ले। ये देखिए, ये फ्राई हो गई है। इसी तरह हम सारी वड़ों को शेप देकर मीडियम फ्लेम में तल लेंगे। बस इस स्टेज में ही आपको ज्यादा सावधानी रखनी होती है। वड़ों को हम मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे। ये देखिए, ये भी तल चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब पानी को उबलने के लिए छोड़ दे और इसमें थोड़ी सी नमक दे और इन वड़ों को इसमें डालकर गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे। 1 घंटे तक इस पानी में ही हमें इन वड़ों को रखना है। एक घंटे हो चुके हैं, अब इन्हें हम एक प्लेट में एक एक करके निकाल लेंगे। उसके ऊपर दही डाल देंगे। अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी नमक, चाट मसाला, इमली की पल्प, टोमेटो केचप, बेसन की सेव और धनिया के पत्ते के साथ सर्व करें। ये न्यू टाइप की दही वड़ा को आप एक बार जरूर ट्राई करें
और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।